वेलकम टू माय चैनल प्राची स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मसाला ओट्स। ओट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फूड है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ओट्स हमें जल्दी से पसंद नहीं आता है क्योंकि हमें इसे बनाना नहीं आता है। तो आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी ओट्स बनाना, अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, आपका ओट्स फेवरेट फूड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओट्स बनाना। मसाला ओट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च और 2 ग्लास पानी। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मसाला ओट्स लिया है, जो मार्केट में 15 रुपीज़ का एक पैकेट आता है वो वाला मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिया है। अब हम कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे और गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक प्याज का कच्चापन दूर नहीं हो जाता या प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पे भी सेक सकते हैं या आप फ्लेम को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। प्याज हमारी सेक चुकी है, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारे मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है और 1/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा कम यूज़ किया है क्योंकि मसाला ओट्स में भी थोड़ा नमक होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो टोमेटो कट करके रखा था उसे भी प्याज में मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाना है कि जब तक कि टमाटर सॉफ्ट न हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मसाला ओट्स मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 2 पैकेट मसाला ओट्स मिक्स कर दिया है मसाले में। अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है और हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। मसाला ओट्स बहुत ही जल्दी पक जाता है, तो इसलिए 2 या 3 मिनट में हमारा मसाला ओट्स अच्छे से रेडी हो जाएगा। हमारा मसाला ओट्स बन गया है, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है। मसाला ओट्स हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप खाइए और आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी।